अचानक से खुल गई है, वही सुनाती हूँ कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म भोले बाबा है गौरी शंकर भगवान, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा मरते दम तक। सुनिए सुनिए सचिन भैया, अच्छा लगेगा आप सुनकर देखें। अभी ये कह रहे थे महिला और पुरुष, लेडीज आ गई तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुकेश मधुल जी मेरी सोच देखिए कहां तक पहुंच रही है। सुनिए कि नारी से है नर का साप, प्रलय से सृष्टि सृजन तक, अभी तक ये लड़का सो रहा है। अब भगी है निंदा देवी। सचिन भैया, पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जिंदगी के गाड़ी के ऐसे दो पहिए हैं, अगर एक पहिया डिसबैलेंस हो जाए तो गाड़ी डगमगाने लगती है। दोनों की जरूरत पड़ती है। और देखिए मैं कटपीस को कैसे जोड़ रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए कि नारी से है नर का साथ, प्रलय से सृष्टि सृजन तक, तो सृष्टि सृजन नहीं, सृष्टि सृजन नहीं माँ से ललन तक, माँ से ललन नहीं भाई बहन तक, भाई बहन नहीं दुल्हा। ये क्रम चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ये एक जिंदगी का नियम है, क्रम है। ये बात, संतान उत्पत्ति होती है दोनों से, सृष्टि चलती है दोनों से, घर संभलता है दोनों से, बच्चे पलते हैं दोनों से, शिक्षा मिलती है दोनों से, हर कार्य होता है दोनों से। तो सृष्टि सृजन नहीं माँ से ललन तक, माँ से ललन नहीं भाई बहन तक, भाई बहन नहीं दुल्हा दुल्हन तक। तो नारी से है नर का साथ, भगवान की।
की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रयास था मेरा। अभी आप लोगों ने सुनी है पादनी ग्रंथिमाला जी, मेरे बात का आपने शायद गलत अर्थ लगा लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि कीर्तन इतना शर्मिंदा है, ऐसा नहीं है। मैं उन कलाकारों के बारे में केवल मैंने आपको बताया था कि वास्तव में पहले कीर्तन कीर्तन रहा करता था। अब ये आज की हालत है कुछ ऐसी जो मैंने आपको बताई है, सत्य कड़वा होता है। आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या, सबके लिए थोड़ी था, सबकी बात नहीं है। सारों को अगर समझो राज को राज रहने दो बेटे, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। ये आदरणीय मानी सम्मानी लता मंगेशकर जी ने रियाज किया है, उनको हम नहीं रफी जी मानते थे। ये लेकिन अब आज की कीर्तनकारा रियाज बहुत कम कीर्तनकारा कर रही है। कुछ लोग तो केवल चेहरे के बल पे ही कीर्तन गा रहे हैं। ये बात सत्य है, सत्य कड़वा होता है। जिसे हारमोनियम बजाने की तमीज नहीं है, जिसे बोलने की तमीज नहीं है, जिसे स्वर का ज्ञान नहीं है, जो खुद लिख नहीं पाती है, बताइए किस लिए कीर्तन गा रही है। बस कारण वही है कि कमेटी पूछते हैं देखने में ठीक है, बस हो गया कीर्तन। बस इस बात को अन्यथा मत लीजिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। कई ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं। मैं तो कीर्तन का सबसे छोटा नुमाइंदा हूं, मैं कुछ कीर्तन में नहीं जानता हूं। और सबसे कम उम्र में मुझे केवल अभी 4-5 साल हुआ है इस कीर्तन में प्रवेश। कई कीर्तनकारा तो ऐसी हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दी, 100 नंबर डायल कर दिया मंच से। और क्या भाई, बताओ ऐसी ऐसी कीर्तनकारा है तो कीर्तन का उत्थान तो होगा ही। यही तो नहीं समझ पाए, क्या बात है भाई, हम समझ ही नहीं पाए कि बारिश आ रही वरना मैं पहले भाग लेता। ये इसलिए भगवान ऐसी कीर्तनकारा हमारे देश में ना हो तो कीर्तन जिंदा रहे, बस अन्यथा में नमक लेना। ये बात मैं आपके लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये बात सत्य है कि कीर्तन ऐसा नहीं है कि मीराबाई जी ने कीर्तन नहीं गाया, उन्होंने कीर्तन गाया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका, ये मीराबाई जी ने कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। अगर ये कहा होता तो मीरा का नाम आज मीरा नहीं होता। ये तो आज की कीर्तनकारा कहते हैं, इसीलिए उनका चेहरा देखा जाता है। मीरा का चेहरा किसी ने देखने के लिए नहीं कहा, केवल वो गोविंद में लीन हो गई। चलो कोई बात नहीं है, ये तो सब होता रहता है, कीर्तन है। बहुत प्यारा गीत आपकी तरफ से आया है, आपके गीत को हृदय में सम्मान देते हुए। बिल्कुल बेटे, अरे जन्म जन्म नहीं रूठ जाने की ये अब आदत कहां से आ गई। कल तो कहता था कि बिस्तर से चला जाता नहीं, उठ गया दुनिया से, ये ताकत कहां से आ गई।
गीत बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। नारी नारी से है नर का साथ, प्रलय से सृष्टि सृजन तक, प्रलय से सृष्टि सृजन तक, ये बात सत्य है, बहुत बढ़िया। लेकिन बड़े भैया एक बात जरा गौर कीजिए, आदरणीय क्रांतिमाला जी आप भी गौर कीजिए, अगर इस दुनिया में केवल आदमी और औरत, नारी और नर होते तो क्या ये दुनिया अच्छी लगती? दुनिया केवल नारी नर से नहीं चलती है। सुनिए जवाब के रूप में, अगर ये ना होते तो नारी नर बिना काम के रहते। सुनिए कि सृष्टि में मिला है यह सृष्टि में मिला है सबका साथ, साथ ये जन्म जन्म तक, किनका साथ मिला है जरा गौर फरमाना। अरे जैसे साथ है चंद्र किरण का, और जैसे साथ है ये खुशबू पवन का, अरे वैसे साथ है सूर्य गगन का। अगर चंद्र के साथ किरण ना निकलती तो अंधेरे में नारी नर क्या करते? खुशबू के साथ में अगर ये पवन ना चलती तो नारी नर क्या करते? ये प्रकृति भी हम लोगों का हमेशा साथ देती है, ये इसलिए सुनिएगा। जब सृष्टि में मिला है सबका साथ, मिला है जन्म जन्म, सृष्टि में मिला है सबका साथ, साथ ये साथ जन्म तक। ये आपका प्रत्युत्तर रहा प्रयास हम बच्चों का, अगर नारी का नर का साथ है तो नारी नर इन मानवों के लिए प्रकृति भी बहुत जरूरी है। ये। अगर ये प्रकृति हमारा साथ ना दे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बेटे, ये तो अपना प्रयास रहा, एक बहुत प्यारा गीत आपकी तरफ से।